दीज फ्रॉम द डर्माटोलॉजी मेडिसिन इज़ द एक्नी वलगेरिस ठीक है तो so, सबसे पहले तो एस यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज़ द एक्नी ठीक है तो so, होती क्या है इट इज़ द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द स्किन मीन्स इसमें क्या होगा इन्फ्लामेशन होगी ठीक है और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्ट होते हैं कौन सी एज में होते हैं अडल्ट होते हैं अडोलिसंस में होते हैं ठीक है तो so, होगा क्या इसमें ये वाला सारा प्रोसेस चलेगा पैथोजेनेसिस ऑफ एक्नी में कि किस तरह से जो है ये एक्नी होती है तो सिंपल अगर बात की जाए तो आपको पता है कि जो हमारी स्किन होती है उसमें वी हैव द सबेशियस ग्लैंड ठीक है तो किसी भी वजह से फॉर एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है कि सबेशियस ग्लैंड जो हैं वो सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो वो किस वजह से होता है एक्सेस एंड्रोजेंस ऐसी क्या चीज़ होती है कि प्यूबर्टी के अंदर ही एक्नी होती है बिकॉज प्यूबर्टी में यू नो दैट देर आर द हारमोनल चेंजेस ठीक है एंड मोस्टली जो हारमोन इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द एड्रोजन ठीक है तो एंड्रोजन जो होगा वो जब ज़्यादा होंगे एंड्रोजन किसी भी वजह से ज़्यादा होंगे बॉडी के अंदर तो वो सीबेशियस ग्लैंड को कहेंगे कि सीबम ज़्यादा रिलीज करो जब सीबम सीबम जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा खुद सोचें कि सिबेश ग्लैंड ने बहुत ज़्यादा सीबम जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है तो एक वक्त आएगा कि सीबम की एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से जो ये होगी क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी ऊपर से ठीक है क्या हो रहा है सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ एपिथीरियल सेल्स एंड कैरेटिन हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है एक्यूमोलेशन ऑफ द शेड कैरेटिन एंड सीबम ठीक सीबम जो है वो सारा इकट्ठा हो गया है सीबम जो है वो सारा इकट्ठा हो गया जब इसने एक सीबम ने क्या किया है? उसको एक इकट्ठा हो के वहाँ पर जमा हो के उसको ब्लॉक कर दिया ऊपर से ठीक है जब ब्लॉक करेगा तो पीछे क्या होगा पीछे बैक्टीरिया जो हैं वो बनना अपनी प्रॉलीफ्रेशन स्टार्ट कर देंगे जो यहाँ पे बैक्टीरिया होता है जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जो एक्नी में इन्वॉल्व होता है दैट इज़ दिस बैक्टीरिया प्रोपियोनो बैक्ट्रम बैक्टीरियम एक्नी ठीक है ये बैक्टीरिया जो है वहाँ पे प्रॉलीफ्रेट करना शुरू कर देगा और फिर क्या होगा जब प्रॉलीफ्रेशन होगी बैक्टीरिया की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली शुरू में जो है वो क्या होगी थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता वो इन्फ्लेमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से वहाँ पर स्कारिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो शुरू में क्या होगा अर्ली कॉमिडोन्स बनेंगे फिर लेटर कॉमीडोन्स बनेंगे हम देखते हैं क्या होते हैं कॉमीडोन्स और फिर क्या होगा इन्फ्लेट्री पैप्यूल या पस्च्यूल बन जाएगा क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया प्रॉलीफेट कर रहे हैं और अल्टीमेटली वहाँ पे इतना बड़ा जो है वो नोड्यूल बन जाएगा जो हमने देखा है कि किस तरह का होता है शुरू में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था नोड्यूल किस तरह का होता है बड़ा सा होता है रेज्ड होता है वन सेंटीमीटर से बड़ा होता है सिस्ट ठीक है उसकी फॉर्म में आ जाता है ठीक है तो क्या हो रहा है सबसे पहले फॉलिक्यूलर हाइपरक्रटनाइजेशन हो रही है ठीक है कैरेटिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है फिर क्या हो रहा है सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है कहाँ से सबेशियस ग्लैंड से फिर क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा सीबम की वजह से जो सबेशियस फॉलिकल्स हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जब उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रोलीफ्रेट करना शुरू कर देता है विच इज़ प्रोपियोनो बैक्ट्रम बैक्टीरियम एक्नी ठीक है और फिर क्या होता है वहाँ पर इन्फ्लमेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर भी देखें एपीडर्मिस है और वहाँ पर क्या है डर्मिस के अंदर सबेशियस ग्लैंड है उसने क्या किया बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस किया और अल्टीमेटली वहाँ पर क्या हुआ बैक्टीरिया बनना शुरू हो गया और बैक्टीरिया ने वहां पर इन्फ्लेमेशन कर दी ठीक है तो एक्सेस सर्कुलेटिंग एंड्रोजेंस थे उनकी वजह से क्या हुआ बेसियस ग्लैंड की इन्लार्जमेंट एंड hypersecretion हुई वहाँ पर सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ उसने क्या किया कि ओपनिंग्स जो हैं उनको बंद कर दिया वो जो ग्लैंड की ओपनिंग्स हैं ducts हैं उनको बंद कर दिया ब्लॉक कर दिया और वहाँ पर एक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया प्रोमोशन ऑफ़ द ग्रोथ ऑफ़ द propionobacterium बैक्टीरियम acne ठीक है और फिर क्या हुआ इन्फेक्शन हो गया वहाँ पर तो वॉट आर द रिस्क फैक्टर्स देखिए एंड्रोजन्स की जिस भी वजह से ज़्यादती होगी बॉडी में एक्सेस होगी उसकी वजह से एक्टनी होगी तो मेल्स में क्या होता है एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा होता है तो मेल्स में एक्टनी के ज़्यादा चांसेस हैं प्यूबर्टी में क्या होता है एंड्रोजन्स का एक्सेस होता है प्यूबर्टी में ज़्यादा होता है ऑयली कंप्लेक्शन आपको पता होगा जिनका ऑयली ऑयली फेस होता है ठीक है और उनके अंदर जो है एक्नी के ज़्यादा चांसेस होते हैं स्किन जो है वहाँ पे ऑयली होगी ना तो उसकी वजह से ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पे प्रॉलिफ्रिएट करेंगे एंड्रोजेंस किसी भी वजह से बॉडी में ज़्यादा है फॉर एग्जांपल वो मेडिकेशन ऐसे ले रहे हैं जिसमें एंड्रोजेंस हैं या कुशिंग सिंड्रोम में यू नो दैट देर इज एक्सेस एंड्रोजेंस तो उसकी वजह से क्या होगा एक्नी होगी सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द एक्नी ठीक है नेक्स्ट के एक्नी जो है वो सिर्फ़ फेस पे नहीं होती आपका यूक्यू है कि और कौन सी साइड्स होती हैं जहाँ पे आपको एक्नी मिलती है तो वो चेस्ट पे मिल सकती है वो शोल्डर्स पे मिल सकती है वो बैक पे मिल सकती है वो बटक्स पे मिल सकती है ठीक है डिफरेंट साइड्स पे जो है वो आपको एक्नी मिलती है होती क्यों है इन साइड्स पर अगर हम बात करें वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पर क्यों हो जाती है इन जगहों पर लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर मतलब एक्सेप्ट फेस ठीक है एक्नी जो है इन जगहों पर क्यों होगी ठीक है तो उसकी बात कर लेते हैं कि देखें अगर क्लॉथ्स ऐसे अगर हम पहने टाइट से ठीक है कोई एक्सरसाइज कर रहा है और वो टाइट से कपड़े पहन रहा है जिसकी वजह से स्वेट की एक्सेस प्रोडक्शन होगी ठीक है और स्वेट जब एक्सेस प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से टाइट क्लॉथिंग की वजह से फिर जो है दूसरी बॉडी बॉडी सर्विसज़ पे भी एक्नी के ज़्यादा चांसेस होंगे ठीक है टाइट so, क्लॉदिंग की वजह से रबिंग की वजह से डिटर्जेंट्स की वजह से स्वेट की वजह से ठीक है ज़्यादा जो है वो होंगे शोल्डर्स पे बटेक्स पे नेक पर ठीक है चेस्ट एंड बैक पर ठीक है सन की डैमेज की वजह से भी हो सकता है फ्रिक्शन की वजह से बेड शीट्स की वजह से डिटर्जेंट्स मतलब ये जो अगर हम साफ़ पानी से नहीं नहा रहे ठीक है फिर भी होगा एक्सेस स्वेटिंग की वजह से भी होगा तो अदर साइड्स ऑफ बॉडी में भी एक्नी हो सकती है ठीक है कौन कौन सी है चेस्ट है शोल्डर्स शोल्डर्स हैं बैक है और क्या है नेक है और बटक्स है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए एक्नी सिर्फ फेस पे नहीं होती दूसरी साइड्स ऑफ बॉडी पे भी होती हैं अब टाइप्स ऑफ एक्नी क्या है ठीक है आपको इन दोनों का तो पता होगा पैप्यूल्स का शुरू में हमने देखा था पेप्यूल्स बन सकते हैं पस्ट्यूल्स बन सकते हैं नोड्यूल्स बन सकते हैं लेकिन ये एक्नी में बनते हैं शुरू में नहीं बनते शुरू में वी हैव द वाइट वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स ठीक है हर किसी को तकरीबन होते हैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ठीक है बाकी जो है ये पेप्यूल्स नोड्यूल्स और पस्ट्यूल्स ठीक है ये जो है स्वयर में बनते होते हैं तो टाइप्स ऑफ एक्नी में देखें नॉन इन्फ्लामेट्री है और इन्फ्लामेट्री है नॉन इन्फ्लामेट्री में क्या है वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो इन्फ्लमेशन नहीं है वहाँ पर अभी बैक्टीरिया नहीं है उससे शुरू शुरू वाली स्टेज है ठीक है वो अभी हम देखते हैं कैसे होता है और फिर वी हैव द इन्फ्लामेट्री इन्फ्लामेटरी में वो बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी पैप्यूल्स नॉड्यूल्स पासच्यूल्स सिर्स्ट ठीक है तो ये सब कुछ फिर देखिए अब देखें डिफरेंस क्या होता है दो तरह के कॉमीडोन्स होते हैं एक वाइट हेड्स होते हैं एक ब्लैक हेड्स होते हैं ठीक है ओपन कॉमीडोन्स जो होते हैं ना ओपन कॉमीडोन्स कौ, मतलब अभी उसकी डक्ट जो है वो सीबम की वजह से ब्लॉक नहीं हुई तो दिस इज़ नाउन एज ब्लैक हेड जैसे ही वो ब्लॉक हो जाएगा ना ड्यू टू एक्स सीबम प्रोडक्शन तो दैट विल बी वाइट हेड तो देखें शुरू में वो ब्लैक है ओपन है तो ब्लैक है बंद हो गया है तो वाइट है ठीक तो है तो ब्लैक हेड्स क्या हैं ओपन कॉमीडोन्स हैं और वाइट हेड्स क्या हैं क्लोज कॉमीडोन्स हैं ठीक है, है। जैसे ये देखें इसकी फेस की स्किन है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स की एक्नी है अगर इसको देखा जाए ये आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है सॉरी ब्लैक नज़र आ रहा है यहाँ पर तो इतना क्लियर ये वाला अगर आप देखें ये वाला दिस इज़ ब्लैक तो ये कौन सा कॉमीडोन होगा ओपन कॉमीडोन होगा और ये जो वाइट कलर का है जो बंद हो गया है दिस विल बी क्लोज्ड कॉमीडोन और जिसमें पस आ जाएगी वो क्या होगा पस्च्यूल होगा ठीक है और अगर जो है पेप्यूल जो है वो आपको पता है पेप्यूल क्या होता है वन सेंटीमीटर तकरीबन होता है वन सेंटीमीटर से छोटा होता है रेज्ड सी छोटी सी बनती है उसको कहते हैं और, और कभी कभार वहाँ पे अगर एक्सेस हो जाए तो स्कार बन जाता है ठीक है इन्फ्लामेशन जो है वो ज़्यादा देर के लिए चले तो अल्टीमेटली स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी तो ये होगा तो ये क्या होंगे आप मुझे खुद बताएँ ये क्या होंगे वाइट हेड्स होंगे क्लोज कॉमेडोन्स होंगे ये क्या होंगे ये एक ही बना हुआ आपको, close look है आपको क्लोज लुक दिखाई हुई है दिस इज़ ब्लैक हेड और ये क्या है ओपन कॉमीडोन है तो क्लासिफिकेशन हम इसकी कैसे करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एक्नी एंड इन्फ्लेमेटरी एक्नी शुरू शुरू में जो माइल्ड केसेस होते हैं उसमें वी हैव द ऑब्सट्रक्टिव एक्नी जिसमें क्या होगा अगर ओपन कॉमीडोन्स हैं तो ब्लैक हेड्स हैं क्लोज कॉमीडोन्स हैं तो वाइट हेड्स हैं फिर इन्फ्लामेटरी एक्नी में कौन कौन सी आ जाएंगी जहाँ पर स्वीयर फॉर्म आ जाएगी पेप्यूल्स पस्च्यूल्स नोड्यूल्स सिस्ट एंड देन स्कार्स ठीक है तो इसकी क्लासीफिकेशन है नेक्स्ट इज़ डायग्नोजिस तो डायग्नोसिस एक्नी की कैसे होनी चाहिए क्लिनिकली जानी चाहिए आप किसी को भी अपने इर्द गिर्द देखते हो तो आप उसके फेस को देखते ही बता देते हो इसको एक्नी है ठीक है आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जो है वो आपको बता देगी कि दिस इज़ एक्नी जस्ट बाय लुकिंग एट द पेशेंट फिर आ जाता है ट्रीटमेंट सिंपली ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए एक्नी का जनरल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि अपने फेस को साफ रखें टू टाइम्स अ डे अपने फेस को ये हर किसी के लिए है क्योंकि वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हर हर किसी को होते हैं ठीक है तो माइल्ड केसेस के लिए भी सबके लिए सिमिलर गाइडलाइंस हैं कि एक्टिंग को प्रिवेंट भी ऐसे किया जा सकता है और अगर एक्टिंग हो गई है तो उसको प्रोग्रेशन से भी रोका इसी इसी तरह जा सकता है कि हम क्या करें कि रोज़ाना अपना फ़ेस जो है उसको टू टाइम्स वॉश करें ठीक है साफ़ रखें फेस को ऑयली फेस है तो उसको ड्राई करें रोज़ाना जो है वो नहाएं ताकि बॉडी एक्नी से भी बचा बचा जा सके ठीक है क्योंकि स्वेटिंग की वजह से और हमने देखा किस तरह से बॉडी एक्नी भी होती है तो सही तरह आपने आपको नहला नहाएं ठीक है नहाएं गर्मियों में रोज़ाना नहाएं सर्दियों में आप जो है वो मैक्सिमम नहाएं और फिर क्या है वो मेकअप प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से एक्नी हो सकती है वो क्रीम्स लोशंस जिनकी वजह से एक्नी प्रमोट होती है उनको अवॉइड किया जाए फिर क्या है एक्नी को टच ना किया जाए क्योंकि हम वो आ, करते हैं ना ऐसे उसको ख़ारिश कर करके और बुरी हालत कर देते हैं उसकी ठीक है सो प्रिवेंट दिस फिर क्या है रेगुलर एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट खाएं ऑयली फूड्स ना खाएं ठीक है अच्छी डाइट खाएं और रोज़ाना जो है वो एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर ठीक है तो so, जब भी आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी आएगी तो सबसे पहले आप जनरल चीज़ें लिखोगे जो ये है और एन्जाइटी स्ट्रेस उसको जो है वो रिलीव करें क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस की वजह से भी एक्नी होती है तो रिलीव दैट स्ट्रेस और रोज़ाना अच्छा सोएं सेवन टू एट आवर्स स्लीप जो है वो ज़रूर लें मतलब ये जनरल गाइडलाइंस हैं कीप द एरिया क्लिन एंड रिड्यूस एक्नी प्रो प्रमोटिंग एजेंट्स लाइक मेकअप क्रीम्स ऑयल्स टीरोइड्स एंड एंड्रोजेंस और बाकी जो जनरल चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी के केसेस होते हैं उसमें वी यूज द बेंजाइल परोक्साइड ठीक है बेंजाइल परोक्साइड जो है ये एक्चुअली करता क्या है इन सब एक्नी जो मेडिकेशन uh, होंगी इनका यही फ़ायदा होगा कि वो जो बैक्टीरिया है ना वहाँ पर उसको किसी तरह मारा जाए हमारा जो मेन एम है वो जो प्रोप्योर एक्नी है उसको हम मारें ठीक है दूसरा ये है के जो वहाँ पे पोर्स हैं उनकी जो प्लगिंग है उसको हम प्रिवेंट करें ठीक है और जो है ये सारा हमारा काम है तो बेंजाइल जो परॉक्साइड है जो टॉपिकली हम यूज़ करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट केस है ना तो उसमें हम टॉपिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं सो फर्स्ट इज़ अ टॉपिकल बेंजॉल बेंजाइल परोक्साइड इज़ टू शुड बी अप्लाइड वंस और ट्वाइस डेली ठीक है ये क्या करता है जो कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है जो पोर्स हैं उनकी प्लगिंग को प्रिवेंट करता है ठीक है ये इसका काम होता है और दूसरा क्या होता है टॉपिकल रेटिनॉयड क्रीम ठीक है दिस इज़ टॉपिकल रेटिनॉयस जो कि अगर तब हम यूज़ करते हैं जब बंजाइल परऑक्साइड से किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा ये जो टॉपिकल रेटिनॉयस हैं ये क्या करेंगे दे कॉज द पीलिंग ऑफ द स्किन विच प्रिवेंट्स क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स ठीक है देन इज़ द एंटीबायोटिक्स क्योंकि बैक्टीरिया है ना तो उसको हम एंटीबायोटिक्स से मारेंगे तो कौन सी एंटीबायोटिक्स uh, यूज़ करते हैं टॉपिकल एरिथ्रोमाइसिन या टॉपिकल क्लेंडामाइसिन ये क्या करेगा वो जो बैक्टीरिया होगा उसको स्प्रेस करेगा तो क्या क्या हो गई माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ट्रीटमेंट टॉपिकल बेंजाइल पर ऑक्साइड टू पर टू परसेंट टॉपिकल ब्रेटिनॉइड्स टॉपिकल एरिथ्रोमाइसिन या टॉपिकल क्लिंडामाइसिन देन आती है मॉडरेट टू स्वियर नोड्यूलर पॉस्चुलर एक्नी अब खुद सोचें अगर इतनी स्वियर एक्नी हो जाएगी तो उसके लिए अगर हम टॉपिकली कुछ अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा होगा नहीं होगा सो वी हैव टू यूज़ द सस्टेमिक एजेंट्स तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हमें इसमें देनी पड़ेंगी जो बहुत ज़्यादा स्वियर एक्नी होगी ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे इन विच वी हैव टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन मीनोसाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन रेथ्रोमाइसिन अजीथ्रोमाइसिन क्लेंडामाइसिन और ये जो होते हैं ट्राइ ट्रायमेथोप्रिन सल सल्फामेथोक्सोल ठीक है ये होती हैं देन जो पहले हम माइल्ड टू मॉडरेट केसेज़ में टॉपिकल रेटिनॉयस यूज़ कर रहे थे यहाँ पर हम औरल रेटिनॉयड यूज़ करेंगे लेकिन आगे एक साइन बनाया हुआ है कि प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि दीज रेटिनोइड्स आर टेराटोजेनिक ठीक है ये टेराटोजेनिक है इस वजह से हमने जब किसी भी वमेन आपके पास आती है और उसको बहुत स्वियर एक्नी है तो उसको हमने कहना है कि आपने अगर एक्नी की ये वाली ट्रीटमेंट लेनी है ओरल रेटिनोइड्स लेने हैं तो उसके लिए आपको ये है कि बर्थ कंट्रोल करनी पड़ेगी मतलब वो पिल्स लेंगे जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेंगे ठीक है कब लेंगे वन मंथ बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकेशन एंड वन मंथ आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिकेशन मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले एक महीना और मेडिसिन ख़त्म करने के बाद एक महीना तब तक हमने बर्थ को कंट्रोल रखना है प्रेगनेंसी नहीं होने देनी बिकॉज़ इट इज़ टेराटोजेनिक ठीक है सिंपली हमारा ये जो है टॉपिक था एक्नी गैरिस का हम इसका यू क्यू डिस्कस कर लेते हैं देखें नाइनटीन ईयर्स ओल्ड बॉय सबसे पहले तो एक लड़का आया आपके पास और यंग है और क्या है मेल है ठीक है बिकॉज़ मेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्नी के प्रजेंट्स विद द ब्लैक हेड्स ठीक है और क्या है पेप्यूल्स हैं और पास्ूल्स हैं ऑन हिज फेस तो क्या होगी एक्नी होगी क्योंकि इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं और पेप्यूल्स भी हैं पास्ूल्स भी हैं मीन्स थोड़ी सी स्वेयर भी है ठीक है, है सिर्फ ब्लैक हेड्स नहीं है तो वट इज़ योर डायग्नोजिज इट विल बी एक्नी वलगैरिस ठीक है वट अदर साइड्स ऑफ बॉडी कैन बी इन्वॉल्व तो हमने बताया कि इट कैन इन्वॉल्व द नेक शोल्डर्स बैक बटक्स ठीक है चेस्ट ये सब कुछ तीन आपने लिखते ही है सिंपल सा क्वेश्चन है गिव एटलीस्ट थ्री सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर इट ठीक है तो थ्री सिस्टेमिक ट्रीटमेंट ऑप्शन आपने लिखने हैं सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कर सकते हो औरल रेटेनॉइड्स यूज़ कर सकते हो एंटीबायोटिक्स में आप डिफरेंट लिखोगे ठीक है तो ये इसकी जो है वो ट्रीटमेंट होगी सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्नीगैरिस नेक्स्ट से हम बाकी जो है वो डिजीज़ करते हैं